हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में आप देखेंगे सिल्क वॉर्म जिसे बॉम्बिक्स मॉरी बोलते हैं और रेशम का कीट जो होता है उसका जीवन चक्र क्या है। बीएससी के सिलेबस में ये एक्सरसाइज होती है कि लाइफ साइकिल सिल्क वॉर्म की प्रैक्टिकल में भी होता है, थ्योरी में भी होता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में कितनी बार ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सिल्क वॉर्म है उसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा और फैमिली इसकी बॉम्बिसिडी और सैटर्निडी है। अब है लाइफ साइकिल ऑफ मलबेरी सिल्क वॉर्म और बॉम्बिक्स मोराई। मलबेरी सिल्क वॉर्म इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह शहतूत के पेड़ पे ही पाया जाता है और वहीं इसका जीवन चक्र पूरा होता है और ये शहतूत के पत्तियों को खाता हुआ बड़ा होता है। अब इसका जो लाइफ साइकिल, इसके पॉइंट्स ये हैं कि फर्स्ट इसमें फर्टिलाइजेशन होता है मेल एंड फीमेल में, देन अंडे निकलते हैं एग लाइंग, फिर एग्स, फिर हैचिंग होती है उनकी, फिर कैटरपिलर निकलते हैं उनमें से, फिर प्यूपा, देन प्यूपा से कोकून का डेवलपमेंट होता है, देन इमर्जेंस ऑफ इमेगो। इट मीन्स कोकून में से जो अडल्ट इंसेक्ट निकल रहा है उसे इमर्जेंस ऑफ इमेगो कहा जाता है। शॉर्ट अगर सिल्क वॉर्म का लाइफ साइकिल समझना हो तो ये फ्लो चार्ट है। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइजेशन के बाद फीमेल जो है मलबेरी की जो लीव्स होती है शहतूत की पत्तियों पर अपने अंडे देती है। इसके बाद अंडे से कैटरपिलर निकलता है जो फर्स्ट से फिफ्थ इंस्टार लार्वा में चेंज होता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लार्वल स्टेज होती है, देन फिफ्थ इंस्टार लार्वा प्यूपा में डेवलप होता है और प्यूपा जो है सिल्क सिक्रीशन करके अपने चारों तरफ एक कवर बना लेता है जिसे कोकून कहते हैं। फिर प्यूपा से कोकून का डेवलपमेंट होता है और कोकून जब कंप्लीट डेवलप हो जाता है तो एक बॉडी के एक छेद, बॉडी के एक पार्ट में एक छेद करता है और उस छेद के थ्रू अडल्ट जो होता है वो बाहर निकलता है। अगेन मेल फीमेल फर्टिलाइजेशन करते हैं और लाइफ साइकिल अगेन वापस रिपीट होता है। इस नामांक के चित्र में आप क्लियर देख सकते हैं कि अडल्ट मेल है, फीमेल है, उनमें फर्टिलाइजेशन हुआ है, फिर एग्स निकले हैं, फीमेल देती है, उसके बाद कैटरपिलर लार्वा जो है उसका डायग्राम दिया गया है और उसके बाद कोकून में डेवलपमेंट हो रहा है, फिर कोकून जो होते है उसमें जो प्यूपा की मैच्योर स्टेज होती है उसे क्राइसिलिस कहते हैं और उसमें से अगेन अडल्ट निकल रहा है। और आप कैटरपिलर का डायग्राम भी क्लियरली देख सकते हैं, उसमें स्पाइरेकल्स है, डोर्सल हॉर्न है, स्यूडो लैग्स है, एब्डोमिनल अपेंडेजेस है, थोरेसिक ट्रू लैग्स है। अडल्ट बॉम्बिक्स मोराई की जो लंबाई होती है वो 2.5 होती है। कलर येलोइश क्रीम क्रीमी होता है। यह यूनिसेक्सुअल है, इट मीन्स इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और 2-3 दिन के अडल्ट जीवन काल में ये भोजन नहीं करते हैं और फीमेल जो होती है भारी होती है, पंख छोटे होते हैं, उड़ नहीं सकती है। फर्टिलाइजेशन जो होता है इनमें आंतरिक होता है और कोकून से तुरंत निकलने के बाद जो फ्रेश अडल्ट होते हैं वो फर्टिलाइजेशन करते हैं और 2-3 घंटे तक चलता है प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन के बाद जो है मादा अंडे देती है और एक सिक्रीशन निकलती है जिससे अंडे जो है शहतूत की पत्तियों पर चिपके रहते हैं। अंडे जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, डाइपोज और नॉन डाइपोज। डाइपोज यानी उपपरति टाइप के जो अंडे होते हैं उनकी सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो होती है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाती है और नॉन डाइपोज वाले जो एग होते हैं उनकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है वो एक्टिव होती है और ये इंडिया जैसे देशों में पाए जाते हैं। एग्स से हैचिंग के बाद कैटरपिलर निकलते 10 दिन बाद जो वॉरिशियस होते हैं यानी अति भोजी, इसलिए उनको स्पीड से शहतूत की पत्तियां खाते हैं और अच्छे से तेजी से ग्रोथ करते हैं। ये कैटरपिलर का डायग्राम ड्रॉ किया गया है, इसमें स्यूडो लैग्स होते हैं और इनके जो माउथ पार्ट होते हैं मैंडिब्यूलेट यानी चिंबुकी टाइप के होते हैं। कैटरपिलर में 5 जोड़ी स्यूडो लैग्स होते हैं। स्यूडो यानी आभासी, मतलब हमें लगता है कि वो लैग्स है पर वो आभासी होते हैं और बाद में डिसअपियर हो जाते हैं।
आगे का आप सारा मैटर पढ़ ले, मैं सारे लाइन्स एक्सप्लेन नहीं करूंगी वरना वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, इसलिए आप इन सब नोट्स को कॉपी में अच्छे से लिख लें, ढंग से पढ़ लें। मैं सारा नहीं बोलूंगी वरना वीडियो जो है वो टू लॉन्ग हो जाएगा। देन कैटरपिलर की 5 इंस्टार लार्वा के बाद प्यूपा स्टेज आती है। प्यूपा जो होता है अपनी सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा का सिक्रेशन करता है। सलाइवा ही सिल्क होता है और वही सिल्क के धागे बनते हैं उससे। प्यूपा जब सिल्क का सिक्रीशन करता है तो उसके शरीर के बाहर सिल्क के धागे जो होते हैं वो रोल होते जाते हैं और प्यूपा के बाहर धीरे धीरे एक खोल बन जाता है रेशम के धागों का। और अब इस स्टेज को कोकून कहते हैं। कोकून की स्टेज 3 दिन तक चलती है। प्यूपा का शरीर जो होता है वो लगातार 65 प्रति मिनट की दर से गोल गोल घूमता है और धागा जो होता है उसके शरीर के बाहर लिपटता जाता है और इसकी वजह से उसका जो वजन होता है वो बढ़ जाता है। इमरजेंस ऑफ इमीगो मतलब प्रौढ़ कीट का निर्गमन। जब कोकून स्टेज कंप्लीट हो जाती है तो कोकून में जो प्यूपा होता है एक क्षारीय पदार्थ का सिक्रीशन करता है। यह क्षारीय पदार्थ तो कोकून के खोल के एक भाग को नम कर देता है, मुलायम कर देता है और वहाँ छेद हो जाता है। उस छेद से जो एडल्ट कीट होता है वो बाहर आ जाता है, तो इसे कहते हैं प्रौढ़ कीट का निर्गमन यानी एडल्ट का बाहर निकलना। सो गाइज, ये थी सिल्क वर्म लाइफ साइकिल का वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपके ये काम आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।